हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। हाफ लॉकडाउन को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, खूब सो रहे होंगे, खूब खा रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी लोगों का होमवर्क आ रहा है। सुधर जाओ गधो, अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से भेजना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर मैं आपके पेरेंट्स से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। खुद आप लोगों से आकर मिलूंगा, पेरेंट्स से आकर मिलूंगा और तुम्हारे पिताजी को या माताजी को कॉल करना स्टार्ट करूंगा। तरीके के साथ, जो सिस्टम तुम्हें समझाया था उसके साथ अपना होमवर्क भेजना स्टार्ट करो। ऐसे पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, आप लोगों के ऊपर बर्डन पड़ता जाएगा। आप आज का लेक्चर कल देखोगे, कल का लेक्चर परसों देखोगे, वो लेक्चर इकट्ठा होते जाएंगे, फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास में कोई चॉइस है कि भाई 11th क्लास है या 9th क्लास है या 10th क्लास है, कि तुम्हारे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाएंगे 12th क्लास में। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। और एग्ज़ाम भी अगर 12th क्लास के भी पोस्टपोन हो गए तो नीट और जेई डबल ई का तो एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन नहीं होगा। कॉलेज के अंदर एंट्री तो आपको मार्क्स के बिहाफ पर ही मिलेगी, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो ये जो तुम्हारे अंदर लापरवाही घुस रही है ना, जो खुराफाती दिमाग में घुस रही है कि आज का लेक्चर कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नरसों देख लेंगे, उसे बिल्कुल निकाल दो अपने अंदर से और तरीके के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। नहीं तो पीछे रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और अगर चीज़ें समझ नहीं आई, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर वहाँ आपको समझ नहीं आया है ना, तो आप अपने से बनाकर भी नहीं लिख सकते हो। तो चीज़ों को ध्यान से समझो, अपनी कॉपी के अंदर अपना क्लास वर्क करो, उसी चीज़ को होमवर्क में रिपीट करो। बार बार ये ना पूछे कि सर होमवर्क क्या है, जो मैंने पढ़ाया है, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, वही आपका होमवर्क है। अपनी कॉपी के अंदर प्रॉपरली होमवर्क को आप लिखें और लिखने के बाद में हमें सेंड करें, ठीक है? मुझे किसी भी स्टूडेंट की तरफ से कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बेटा देखिए, हमारी क्लास में लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये सॉल्व किया था। अभी कूलम्स लॉ में हमारा काम बचा हुआ है। ये मत कहना कि सर हम बोर हो गए कूलम्स लॉ पढ़ते पढ़ते। अभी कूलम्स लॉ में काम बचा हुआ है और जब तक पूरा काम नहीं होगा, जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जब तक पूरा एक एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे नहीं, एक एक कंसेप्ट ऐसे कि सवाल कहीं से भी आ जाए, हम लोग अच्छे तरीके से बना दे, जब तक वो वाली हमारी सिचुएशन नहीं बनेगी, तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ इसे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। देखो बेटा, पहली जो प्रॉब्लम है हमारे पास में, मैं आपको ऑलरेडी वैसे पढ़ा चुका हूँ ये प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम हमें लैंग्वेज के साथ करनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें दे रखी है, लैंग्वेज के साथ हमें प्रॉब्लम को बनाना है। आइए देखते हैं कि लैंग्वेज के साथ हम प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, लैंग्वेज के साथ हम प्रॉब्लम को कुछ ऐसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या उसने हमसे पूछा है। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3, ईच इक्वल टू Q एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। वॉट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q विद द सेम साइज एज स्मॉल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी आप ये समझिए बेटा कि कहानी ये है कि ये ट्राइंगल हमें दे रखा है कुछ ऐसे। ट्राइंगल हमें दे रखा है, यहाँ का चार्ज है हमारे पास में स्मॉल क्यू, यहाँ का चार्ज भी है हमारे पास में स्मॉल क्यू, और यहाँ का चार्ज भी है हमारे पास में स्मॉल क्यू, ठीक है? यहाँ सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड का मतलब ट्राइंगल के सेंटर से है भैया। यहाँ जो चार्ज हमें दिया गया है, ये चार्ज हमें दिया गया है प्लस क्यू, ठीक है? आपको बताना है कि यहाँ कितना फोर्स काम करेगा, यहाँ इस पर कितना फोर्स काम करेगा। पहले हमने इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कराया, फिर हमने इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कराया, फिर हमने इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कराया। अब आप ये देखिए बेटा कि ये प्लस क्यू, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा नीचे की तरफ। ओके, बात समझ आई आप लोगों को? उसके बाद आप देखिए, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस तरफ, ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, और ये प्लस इस प्लस को नीचे की तरफ रिपेल करेगा। अच्छा, आप देखो यहाँ का चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, यहाँ का चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस ये है। ऐसे ही यहाँ है, डिस्टेंस बिल्कुल उतनी ही है। ऐसे ही यहाँ है, चार्जेस भी उतने ही हैं और डिस्टेंस भी उतनी ही है।
बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है हमारे पास में, चार्जेस भी उतने ही हैं और डिस्टेंस भी उतनी ही है, चार्जेस भी उतने ही हैं और डिस्टेंस भी उतनी ही है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना फोर्स यहाँ काम करेगा एफ, बिल्कुल उतना ही फोर्स यहाँ काम करेगा एफ, और बिल्कुल उतना ही फोर्स यहाँ काम करेगा एफ, तीनों फोर्सेस सेम काम करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो मैं यहाँ बना देता हूँ और मैं कहूँगा कि भाई तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है इसका नाम है एफ, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है इसका नाम भी है एफ, और एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है इसका नाम भी है एफ। ओके, समझ आ रही बात? ओके, इसके बाद देखो बेटा, अच्छा ये वाली साइड भी हमें एल दे रखी है, ये साइड भी एल दे रखी है और ये साइड भी एल दे रखी है। अगर तीनों साइड हमें एल दे रखी हैं तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात यह है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो जस्ट इसके सामने वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। कैसे? ये 60 डिग्री हो गया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये हमारे पास में 60 डिग्री हो गया। नाइन्थ क्लास में हम लोग थियरम पढ़ते हैं कि ये 60 है तो ये सामने वाला हो जाएगा इसका डबल, यानी ये वाला एंगल इसके सामने वाला ये 120 डिग्री हो गया बेटा। ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला 120 डिग्री हो गया। इन तीनों को उठाकर मैंने यहाँ से यहाँ बना दिया। अब आप ये देखें कि मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि भाई अगर आपके पास में दो फोर्स हैं, ये भी एफ है और ये भी एफ है, और उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, अगर दोनों फोर्स सेम है, ये भी एफ और ये भी एफ, और उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा बीच में और रिजल्टेंट भी एफ ही कहलाएगा। अगर दोनों फोर्स सेम है ना, दोनों फोर्स अगर सेम है तो उनका रिजल्टेंट भी बीच में जाएगा, मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई थी, वो भी एफ ही कहलाएगा। यानी इन दोनों की कहानी हो गई ख़त्म और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया एफ। अब आप देखो यहाँ, यहाँ बताना है रिजल्टेंट फोर्स कितना काम कर रहा होगा, ऊपर कितना जा रहा है एफ, नीचे कितना जा रहा है एफ, तो ये इसे कैंसिल आउट कर देगा और इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स काम करेगा, नेट फोर्स वो जीरो काम करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम थे, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट थी, इसीलिए यहाँ नेट फोर्स जीरो काम करेगा। इस तरीके से प्रॉब्लम हम बनाएंगे, यानी हम ये कहेंगे कि जो चार्ज सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है उस पर टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स जीरो काम करेगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हों, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके ना आप लोग लिख सकते हैं बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम की लैंग्वेज के साथ में क्या है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, हर एक चार्ज 4 माइक्रो कूलम का है, ठीक है, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एज एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, डैश 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 इनफाइनाइट। अब आपसे ये कहा आपको टोटल फोर्स बताना है कितना होगा 1 कूलम पर जो रखा है ओरिजिन पर। तो एक रफली डायग्राम अपने सामने बनाने की कोशिश करते हैं। रफली डायग्राम ये होगा कि यहाँ है एक्स बराबर जीरो, इसे हम कहेंगे ओरिजिन, और यहाँ हमारे पास में रखा हुआ है 1 कूलम चार्ज, वो भी पॉजिटिव। यहाँ से थोड़ी सी दूर यानी यहाँ पर यह है एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ हमारे पास में रखा हुआ है प्लस क्यू, मैंने इस चार्ज को ना बेटा क्यू मान लिया है, बाद में क्यू की जगह यही वैल्यू रख देंगे हम लोग, मैंने इस चार्ज को क्यू मान लिया है, बाद में इस चार्ज की जगह यही वैल्यू रख देंगे। यहाँ से 2 मीटर पर यही चार्ज दोबारा से रखा है प्लस क्यू, फिर यहाँ से 4 मीटर पर यही चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यही काम डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अब आप ये देखिए बेटा, हमें बताना है कि इन सभी चार्जेस की वजह से, इन सब की वजह से, इन सब की वजह से, ये जो इनफाइनाइट तक रखे हैं ना, इन सब की वजह से टोटल फोर्स कितना काम करेगा, इन सब की वजह से यहाँ पर टोटल फोर्स कितना काम करेगा हमें ये बताना है।
अब आप देखिए कैसे करेंगे, ये प्लस क्यू इस प्लस को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाया इसने इधर F1, इस प्लस ने इस प्लस को इधर रिपेल किया, बात समझ में आ रही है बेटा। अब इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया इस तरफ, एक और रिपेल किया, फिर उस प्लस ने इस प्लस को इधर एक और रिपेल किया, एक और इधर चला गया। मैंने इस फोर्स को माना F1, इसे माना F2, इसे माना F3। ध्यान से बेटा, इस प्लस ने इस प्लस को इधर रिपेल किया, फिर इस प्लस ने इस प्लस को इधर रिपेल किया, फिर इस प्लस ने इस प्लस को इधर रिपेल किया। तीन ही फोर्स ले रहा हूं मैं, ले कितने भी सकता हूं क्योंकि इनफाइनाइट तक रखे हैं, लेकिन तीन ही दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। तीन चार्जेस की वजह से यहां तीन फोर्स काम कर रहे हैं और तीनों की डायरेक्शन है इधर, F1 भी इधर, F2 भी इधर और F3 भी इधर। यानी हम ये कहेंगे नेट फोर्स ऑन वन कूलम्ब इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, हम ये कहेंगे बेटा। जो वन कूलम्ब के ऊपर नेट फोर्स काम करेगा ना, उसकी वैल्यू हमारे पास में ये रहेगी F1, इसकी वजह से F1, इसकी वजह से F2, इसकी वजह से F3, फिर F4, फिर F5, फिर F6, फिर F7, और चूंकि इनफाइनाइट तक है तो इसीलिए प्लस डैश 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 इनफाइनाइट कर दिया हमने। अब आप देखो बेटा, F1 को हम क्या लिख सकते हैं, F1 को हम लिख क्या सकते हैं, F1 को हम लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का चार्ज कितना है Q, यहाँ का चार्ज कितना है 1, और इनके बीच का ये जो गैप है ना, ये भी 1 है। हम लिखेंगे Q इंटू 1, और इनके जो बीच का गैप है ये भी 1 है, यानी 1 स्क्वायर। उसके बाद F2 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 9, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 1। इसकी वजह से देख रहा हूँ बेटा, इसकी वजह से यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस हो गई 2 हमारे पास में, तो नीचे लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर। आगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू इंटू 1, और नीचे हो गया हमारे पास में 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 इन्फिनिटी, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू, भाई एक तो 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा, एक Q कॉमन आ जाएगा, और Q की जगह हम लिख सकते हैं 4 माइक्रो कूलम्ब, यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यहाँ बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 16 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ये बन गई कंडीशन हमारे पास में, ये 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन आ गया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन आ गया, यानी Q कॉमन आ गया, और अंदर हमारे पास में ये बचा। अभी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा है ना बेटा, जैसे आप 10th क्लास के अंदर AP सीरीज़ पढ़ते हो, वैसे ही 11th क्लास में एक सीरीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं GP सीरीज़। AP सीरीज़ की क्या खास बात होती है, माइनस करके सेम आता है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यहाँ कॉमन रेशो सेम होता है। अगर आपको पता लगाना है कि ये GP सीरीज़ है या नहीं है, भाई AP का तो आपको पता है, इसमें से इसे माइनस करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे, सेम आना चाहिए। GP में डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा, 1/16 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। अगर इसको इससे डिवाइड करके और इसको इससे डिवाइड करके सेम वैल्यू आ गई तो हम इसे कहेंगे GP सीरीज़, और ये GP सीरीज़ भी है इनफाइनाइट तक। तो जो GP सीरीज़ इनफाइनाइट तक होती है उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ये a अपॉन 1 माइनस r, ये इनफाइनाइट GP सीरीज़ के सम निकालने का फॉर्मूला है। ये जो प्लस 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 करके आ रहा है ना, ये निकालने का तरीका है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी पहला टर्म। अब बताइए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, 1, तो ए की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 माइनस, आर की जगह हम क्या रखेंगे, सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करिए, 1/4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आपके सामने आएगा बेटा। हमने 1/4 को 1 से डिवाइड किया तो 1/4 आया, इसे हम सॉल्व करेंगे ना यहाँ पर तो ये बनेगा हमारे पास में 4/3। तो हम इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम रख देंगे यहाँ पर
नेट फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁻¹ × 4 × 10⁻¹⁶ और इस पूरे ब्रैकेट की जगह रख देंगे हम 4/3। समझ आ रही बात? 3 से ये कैंसिल आउट, ये आ गया 3। 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। आंसर बन गया 48 × 10³ न्यूटन। कुल मिलाकर यहाँ जो फोर्स काम करेगा ना बेटा, कुल मिलाकर यहाँ जो फोर्स काम करेगा वो इतना फोर्स काम करेगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मेन बात सिर्फ दो हैं, एक तो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना, प्लस की वजह से सबकी डायरेक्शन एक तरफ जा रही है तो सबको ऐड कर दिया हमने, बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर ध्यान से इस जीपी सीरीज को सॉल्व करना, पहले तो पता लगाना कि ये जीपी है या नहीं है, इसको इससे डिवाइड करना, फिर इसको इससे डिवाइड करना, अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो जीपी है, ठीक है। और फिर उस जीपी सीरीज के इनफाइनाइट का सम निकालना, ए यानी फर्स्ट टर्म और आर का मतलब है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो माने सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ आई हो बात, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, जल्दी से करिए सॉल्व। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप अपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। आइए हम इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। बेटा प्रॉब्लम क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि ये है अपने पास में x = 0, ठीक है, और यहाँ हमारे पास में एक चार्ज रखा है +1 कूलम। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर यानी x = 1 मीटर पर एक चार्ज रखा है +q। इसके बाद यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर x = 3 मीटर पर एक चार्ज रखा है -q। फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर x = 9 मीटर पर एक चार्ज रखा है +q। और यही काम डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, एक +q, एक -q, एक +q, फिर -q, फिर +q, फिर -q, फिर +q, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। इन सब की वजह से यहाँ कितना फोर्स काम करेगा आपको ये बताना है। फाइंड द टोटल फोर्स एट ओ, फाइंड टोटल फोर्स एक्ट ऑन 1 कूलम। 1 कूलम पर जो टोटल फोर्स काम करेगा आपको ये बताना है कितना होगा। अब आप देखो जरा, ये क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस। जब इस प्लस की वजह से यहाँ निकालेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर, हमने इस फोर्स को नाम दे दिया F1। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर और हमने इस फोर्स को नाम दे दिया है बेटा F1। उसके बाद आप देखें वो क्या है माइनस और ये क्या है प्लस। ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, हमने इस फोर्स को नाम दे दिया है F2। ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हमने इस फोर्स को नाम दे दिया F2। उसके बाद फिर क्या है प्लस, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, हमने इसे नाम दे दिया F3। बात समझ में आ रही है? तो यानी ऐसे हो रहा है, F1 इधर, F2 इधर, F3 इधर, F4 इधर, F5 इधर, F6 इधर, बात समझ में आ रही है? F1 इधर जाएगा उसे पॉजिटिव ले लेंगे, F2 उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसे नेगेटिव ले लेंगे, फिर F3 इधर जाएगा फिर उसे पॉजिटिव ले लेंगे, फिर F4 इधर जाएगा फिर उसे नेगेटिव ले लेंगे। बात समझ में आ रही है ना बच्चों आप लोगों को? यानी हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 इधर जा रहा है पॉजिटिव ले लिया, F2 इधर जा रहा है क्योंकि माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव ले लिया हमने इसे, समझ आ रही बात? फिर F3 इधर जा रहा है फिर हमने इसे पॉजिटिव ले लिया और यही काम डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात। F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे चलता जाएगा बेटा। अब देखो F1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, F1 की जगह हम लिखेंगे 1/4 πε₀, 9 × 10⁹ नहीं लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ चार्ज की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। जहाँ चार्ज की वैल्यू आपको दी जाएगी ना, वहाँ वैल्यू निकालने के लिए आप 9 × 10⁻⁹ लिखेंगे। चार्ज q है, यहाँ 1 है और इनके बीच का गैप है 1। सो q इंटू 1 और नीचे हो गया 1² मीटर में है, तो सीधा मीटर में है तो बदलने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा लिख दिया। माइनस 1/4 πε₀, ये माइनस डायरेक्शन की वजह से आया है। चार्ज कितना है q, यहाँ 1 और नीचे हो गया 3² उसके बाद प्लस 1/4 πε₀ चार्ज q इंटू 1 और नीचे हो गया हमारे पास में 9² समझ आ रही बेटा बात? ये 1² ये 3² ये 9² और यही सिस्टम हमारा इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ओके, अब देखिए हम वैल्यू निकालेंगे, कॉमन क्या आएगा, q कॉमन आ गया है, 4πε₀ कॉमन आ गया है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 1/9, 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/81 और यही सिस्टम चला डैश 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 इनफाइनाइट तक। 1 माइनस के 1/9 प्लस 1/81 डैश 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 इनफाइनाइट। चेक करते हैं कि ये जीपी है या नहीं है। 1/9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1/9 ही आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वही 1/9 आएगा, यानी जीपी है। और जीपी के इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला निकालने का तरीका है a/(1 - r)। बेटा a कितना हो गया, यहाँ पर a हो गया हमारे पास में फर्स्ट टर्म यानी 1 माइनस, r कितना हो गया हमारे पास में r, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस के 1/9। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर बनेगा हमारे पास में 9/10। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 9/10, यानी ये आंसर आएगा। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू q/4πε₀ और यहाँ बनेगा हमारे पास में 9/10। कुल मिलाकर आंसर बन जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। जो नेट फोर्स काम कर रहा होगा वो इतना काम कर रहा होगा। मेन काम इसके अंदर मैं फिर कह रहा हूँ बेटा आपको दो है, एक तो फोर्सेस की डायरेक्शन, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, फिर उसकी वजह से इधर, फिर माइनस वाले की वजह से इधर, इसीलिए f1 - f2 + f3 तीन तक ही लिए मैंने, उससे ज़्यादा नहीं लिए इनफाइनाइट तक। फिर ये जी पी सीरीज की पहचान करना और यहाँ बनाना। ए का मतलब मैंने आपको बताया, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म और R का मतलब है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, R का मतलब है ये। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बात और कोई परेशानी नहीं हो। अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई हो पूरी बात और कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो बच्चों, अब करते हैं हम बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, मतलब ऐसा क्वेश्चन, अब आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, अब बारी है उन कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके किसी अच्छी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करने की। ठीक है, और ये हमारी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आंसर भी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, समय हमें जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर, जल्दी से क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे हम लेवल राइज कर रहे हैं स्टूडेंट, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। टू स्मॉल स्पेयर्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू कूलम्ब एंड हैविंग अ मास m kg आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड,
ईच ऑफ लेंथ एल मीटर एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम रिज. प्रूव दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 एम जी साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा एल स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना है बेटा, ठीक है. आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे इसे. सबसे पहले प्रॉब्लम की लैंग्वेज तो आपने पढ़ ली है, लेकिन प्रॉब्लम को जरा समझना, देखिए कि प्रॉब्लम को कैसे समझना है हम लोगों को, किस तरीके से प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, क्या कह रखा है क्वेश्चन के अंदर. बेटा हमें ये कह रखा है कि ये हमारे पास में एक रिजिड सपोर्ट है, ध्यान से, और इस रिजिड सपोर्ट के साथ में ये दो थ्रेड हैं, ऐसे दो थ्रेड, एक बॉडी यहाँ लगी हुई है ऐसे और एक बॉडी यहाँ लगी हुई है ऐसे. समझ रहे हो आप सभी लोग? बहुत बढ़िया. यहाँ का चार्ज भी है प्लस क्यू और यहाँ का चार्ज भी है प्लस क्यू, ठीक है. ओके, ये हो गया वर्टिकल लाइन. ये कह रखा है बेटा हम लोगों को, प्रॉब्लम समझिए आप लोग, एक थ्रेड के ऊपर है प्लस क्यू चार्ज और इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज. अगर चार्ज ना होता तो क्या होता? जैसे ही आप दो बॉल को ऐसे छोड़ते तो ऐसे पास आ जाती है ऐसे. लेकिन हो क्या रहा है, बॉल यहीं की यहीं है, ना तो पास आ रही है ना दूर जा रही है, बॉल इक्विलिब्रियम में है. बॉल के इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब यह है कि दोनों बॉल यहीं की यहीं सेट हैं. सेट क्यों है? क्योंकि उनका मास या ग्रेविटेशनल फोर्स तो उन्हें पास लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज है उसके बीच में जो रिपल्शन काम कर रहा है वो उसे पास आने नहीं दे रहा है, वो उसे पास आने से रोक रहा है. तो आप ये समझिए कि बॉडी पास आने की कोशिश कर रही है लेकिन रिपल्शन उसे पास आने नहीं दे रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है. और जब भी ये शब्द आपके सामने आएगा, ये वर्ड आपके सामने आएगा इक्विलिब्रियम, आप एकदम से समझ जाएंगे बेटा कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी पर काम करने वाला किसी भी एक बॉडी पर, यहाँ दो बॉडी है, एक ये है और एक ये है, चाहो तो मार्जिन बनाकर अपनी कॉपी में लिख लो कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी इसका मतलब ये है कि दोनों बॉडी में से या तीन बॉडी में से या चार बॉडी में से किसी भी बॉडी पर काम करने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो के बराबर होगा. अगर सिस्टम में एक बॉडी है उस पर काम करने वाला फोर्स है जीरो है, अगर सिस्टम में दो बॉडी है तो दोनों पर काम करने वाला फोर्स जीरो है, अगर सिस्टम में तीन बॉडी है तो तीनों पर काम करने वाला फोर्स जीरो है, और अगर सिस्टम में चार बॉडी है तो चारों पर काम करने वाला फोर्स जीरो है. अब उसने कहा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब यह है कि इस बॉडी पर भी और इस बॉडी पर भी जो टोटल फोर्स काम करेगा वो जीरो के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. अब देखते हैं कि कैसे काम होगा बेटा. देखिए ध्यान से होगा ये कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर एक फोर्स इधर काम करेगा F. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है, बाकी तो थोड़ी सी इलेवेंथ घुसा दी इसके अंदर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जो इलेवेंथ में हमने चैप्टर पढ़ा था ना लॉज ऑफ मोशन, उसका कॉम्बिनेशन कर दिया यहाँ पर. ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा. बॉल का जो मास आपको दे रखा है वो है एम. एम मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसे हम कहेंगे एम जी. ये थ्रेड है बेटा, थ्रेड, थ्रेड के अंदर काम करती है टेंशन टी. समझ में आ रही बात? ये एंगल आपको गिवन दे रखा है थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल. अब हम कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक करते हैं. कैसे करेंगे कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक? ये टी है और ये थीटा है. जिस तरफ थीटा एंगल बनता है उस तरफ कॉम्पोनेंट में टी कॉस थीटा जाएगा. ये टी है, ये थीटा है, तो टी का कॉम्पोनेंट इधर जाएगा टी कॉस थीटा. यहाँ से एंगल नहीं बन रहा है तो इधर जाएगा टी साइन थीटा. लो भैया खत्म हो गई बस कहानी, ये समझ लो. ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि पहला स्टेप सबको समझ में आ गया होगा कि ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा एम जी. ये भी सबको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं किसी को कोई परेशानी होगी. ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे अच्छे तरीके से कि ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल कर रहा है और नीचे एम जी काम कर रहा है. थ्रेड में काम करेगी टेंशन टी, आगे से याद रखना.
अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल, ये टी है ये थीटा है, इधर जाएगा टी कॉस थीटा और इधर जाएगा टी साइन थीटा। अब ये जो टी साइन थीटा है ये बैलेंस कर लेगा एफ को। देखो किसी बॉडी पर हमने क्या कहा था, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि इस पर काम करने वाला टोटल फोर्स जीरो है, और टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेज होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे, यानी ये फोर्स इसके इक्वल होगा और ये फोर्स इसके इक्वल होगा, यानी टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ को, टी साइन थीटा इज बैलेंस बाय एफ, अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले इक्वल होंगे, और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को, टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर लिया एम जी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी बात, ठीक है। टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इसे नाम दिया इक्वेशन वन, इसे नाम दिया इक्वेशन टू। इक्वेशन वन को हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन टू से, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, और इधर आएगा एम जी, टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये हो गया एफ और ये हो गया एम जी। एफ को हम लिख पाएंगे बेटा एम जी टेन थीटा, एफ को हमने लिख दिया एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा। अब बताइए एफ था क्या, एफ था इन दोनों के बीच में काम करने वाला, ध्यान से बेटा, इन दोनों के बीच में काम करने वाला जो एफ था वो इन दोनों के बीच में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ को हम लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज कितना है क्यू, दूसरा चार्ज कितना है क्यू, और यहां से यहां तक का गैप कितना है 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा, देखो पूरा गैप है 2x का होल स्क्वायर, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ये हो गया mg और ये हो गया tan थीटा। देखो बेटा आप देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन के अंदर, यही आपको प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया, यही आपको प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। अगर इसे आप और आगे ले जाना चाहते हो और आगे बढ़ाना चाहते हो आप इसे, तो आप कैसे लेकर जा सकते हो, देखो ध्यान से, इतनी जो डिस्टेंस है हमारे पास में ये x है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में ये l है, आपको दे रखा है गिवन, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में यह है x, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में यह है l, और ये एंगल है थीटा। हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x की जगह हम लिख सकते हैं l साइन थीटा, x की जगह हम l साइन थीटा लिख सकते हैं। तो उस x की जगह, इस x की जगह आप चाहो तो L साइन थीटा भी पुट कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि आप लोगों से क्या चीज़ प्रूफ कराई गई है। अगर आपसे X प्रूफ कराया गया है, X के टर्म में आपको आंसर दे रखा है तो यहीं छोड़ दो, और अगर आंसर आपको L के टर्म में दे रखा है तो फिर X की जगह ये L साइन थीटा आपको पुट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना हमारे सामने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं इसका डायग्राम एक बार और आपको समझाऊंगा, और इसके जैसा ही एक दो क्वेश्चन और हमारे पास में आएंगे जिन्हें आप अच्छे तरीके से समझें।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके की क्वेश्चन पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक छोटा सा हमारे पास में टर्म बना, आप छोटा सा नोट पॉइंट कह लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। देखो बेटा, एक थ्रेड हमने यहाँ से लगाया, एक थ्रेड हमने यहाँ से लगाया, एक बॉडी हमारे पास में यहाँ पर है जिस पर है पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू, और एक बॉडी हमारे पास में यहाँ पर है इस पर भी है पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू। समझ रहे हैं आप लोग? यह है ऐसे, ये दे रखा है। आपको कहा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे ही तुमने क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम का वर्ड सुना, तुम एकदम से चौकन्ना हो गए कि यार इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ पर काम करने वाला फोर्स भी ज़ीरो है और यहाँ पर काम करने वाला फोर्स भी ज़ीरो है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना फोर्स ऊपर काम करेगा उतना ही नीचे काम करेगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर और दाएँ वाला फोर्स बाएँ वाले के बराबर, हम ये भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए कि कौन किस पर कितना फोर्स लगाएगा। भाई सबसे पहले माना कि हमने इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लिया, दोनों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ लो, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, मास इनटू ग्रेविटी की वजह से पास आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इनके बीच में जो रिपल्शन काम कर रहा है वो इन्हें पास आने नहीं दे रहा है। देखो बेटा, अब यह है हमारे पास में मास एम, एम मास की वजह से इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा जिसे हम कहेंगे एम जी। आप 11th क्लास में से पढ़कर आए हो, आपने 11th क्लास में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि हर बॉडी पर नीचे की तरफ एक एम जी काम करता है। इसके बाद इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा एफ। बेटा समझ में आ गई बात? हमें यह एंगल दिया गया है थीटा। अब आप देखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ थ्रेड के अंदर टी टेंशन काम कर रही है, थ्रेड में ना खिंचावट आ जाती है जिसे टेंशन बोलते हैं। कंपोनेंट को ब्रेक करना सीखें बेटा आप सभी लोग, कंपोनेंट को ब्रेक करना आप सभी लोग सीखें। ये टी है तो थीटा की तरफ हमेशा कॉस थीटा जाएगा, और जिस तरफ थीटा नहीं होगा उस तरफ जाएगा टी साइन थीटा। ये हो गया, ऊपर की तरफ चला गया टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ चला गया टी साइन थीटा। अब हम कहेंगे कि भैया इस बॉडी पर चार फोर्स काम कर रहे हैं, ऊपर काम कर रहा है टी कॉस थीटा, नीचे काम कर रहा है एम जी, इधर काम कर रहा है टी साइन थीटा और इधर काम कर रहा है एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपोजिट डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेज होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी टी साइन थीटा एफ के इक्वल होगा और टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं ये जो टी साइन थीटा है वो इक्वल होगा एफ के, और जो टी कॉस थीटा है वो इक्वल होगा एम जी के। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस इक्वल होंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, पढ़ के आए हो यार, बहुत बेसिक चीज है, 10th क्लास में पढ़ते हो, और एफ को डिवाइड कर दिया एम जी से, तो ये बन गया हमारे पास में एफ अपॉन एम जी, यानी फोर्स की वैल्यू बन गई हमारे पास में एम जी टेन थीटा। ये बन गई हमारे पास में फोर्स की वैल्यू, फोर्स इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। और अगर आप चाहो तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो? फोर्स की जगह लिख सकते हो 1/4πε0। यहाँ का चार्ज कितना है? Q। दूसरी बॉडी का चार्ज कितना है? Q। समझ रहे हो बेटा? और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? वैसे तो ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं दे रखी है, लेकिन हम इस डिस्टेंस को 2x मान लेते हैं। x मान लो या 2x मान लो, तुम्हारी मर्जी है। और नीचे यहाँ रख दो 2x का होल स्क्वायर। ये हमारी फोर्स की वैल्यू है। हम चाहें तो फोर्स की जगह ये रख सकते हैं, और जो भी हमें प्रूव करना है, जो भी हमें ड्राइव करना है, वो बड़े प्यार से हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को समझ आई हो बात, और कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा क्वेश्चन अब आप लोग कर पाए। ठीक है,
अब इसके जैसा ही हम एक और कंडीशन देखेंगे, आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। पहले आप अगर आप चाहो दोबारा से अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो कर लो, और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए नेक्स्ट जो नोट पॉइंट है हमारे पास में वो ये है बेटा, बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक थ्रेड हमारे पास में यहाँ पर है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू, ठीक है, और एक थ्रेड हमारे पास में यहाँ पर है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू। समझ में आ रही बात? एक के ऊपर प्लस चार्ज है और एक के ऊपर माइनस चार्ज है। अब तुम खुद बताओ कि क्या होगा, अगर एक के ऊपर प्लस है और एक के ऊपर माइनस है और दोनों थ्रेड ऐसे हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कुछ देर के बाद में सिचुएशन बन जाएगी ऐसी, कुछ देर के बाद में सिचुएशन हमारे सामने ऐसी बन जाएगी बेटा। ये रहा पॉजिटिव वाला, और ये रहा नेगेटिव वाला। कुछ देर के बाद में सिचुएशन ऐसी बन गई, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया और यहां आकर ये इक्विलिब्रियम में आ गए। बेटा समझते हो ना इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहां आकर ये इक्विलिब्रियम में आ गए। इसका चार्ज है प्लस क्यू, इसका चार्ज है माइनस क्यू, तो प्लस जाएगा माइनस की तरफ यानी एक फोर्स इधर काम करेगा और इस पर एक फोर्स इधर काम करेगा, हमने इस फोर्स को नाम दे दिया एफ। बोलिए समझ आया नहीं है? नीचे की तरफ जो काम करेगा, दोनों बॉडी में से कोई भी एक बॉडी उठा ली हमने, नीचे की तरफ जो काम करेगा वो काम करेगा mg, दोनों में से कोई भी एक उठा लो, नीचे की तरफ mg काम करेगा। ये एंगल आपको दे रखा है इस बार थीटा, यहाँ आएगी टेंशन t। अगर ये एंगल थीटा है, देखो बेटा ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। इस बार ये एंगल थीटा नहीं बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ टेंशन काम कर रही है टी, ये थीटा, तो जिस तरफ थीटा एंगल बनता है उस तरफ जाता है कॉस थीटा, तो इधर चला गया टी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ जाएगा टी साइन थीटा, ये कंडीशन बनेगी बेटा हमारे पास में। और अगर ये वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में है, काहे में है, इक्विलिब्रियम में, तो ये फोर्स बैलेंस कर लेगा एफ को और ये फोर्स बैलेंस कर लेगा एम जी को, यानी हम ये लिखेंगे टी साइन थीटा ने बैलेंस कर लिया है एम जी को और टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर लिया है एफ को। जब हम डिवाइड करेंगे, टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ बनेगा हमारे पास में एम जी अपॉन एफ। बेटा एफ का मतलब ये है इनके बीच में कितना अट्रैक्शन काम कर रहा है, इनके बीच में कितना अट्रैक्शन काम कर रहा है, ये हमारा एफ कहलाएगा। तो आज तो मैंने आपको ऐसे ही एक बेसिक कंसेप्ट इसके ऊपर बता दिया, ठीक है। कोशिश करूंगा कि जो कल की क्लास हो हमारी वो कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस के ऊपर लास्ट क्लास हो, और मैं कल कूलम्स लॉ के सारे सवाल आप लोगों को बता पाऊँ। बच्चों कल थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है क्योंकि कूलम्स लॉ मुझे फिनिश करना है और फिर उसकी वेक्टर फॉर्म वगैरह भी पढ़नी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल हमारी कूलम्स लॉ की लास्ट क्लास हो और हम कूलम्स लॉ के ऊपर सब कुछ आपको बता पाएं। आपका काम सिर्फ इतना है कि रोज के रोज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो, अपनी होमवर्क कॉपी में नोट करो, हर एक कंसेप्ट को समझो, जहाँ डाउट आ रहा है हमसे क्लियर करो, ठीक है। ओके चलिए बच्चों, संडे आप लोगों का टेस्ट भी है, एसएमएस आप लोगों के पास में आ चुका होगा, वहाँ टेस्ट का टॉपिक और टाइमिंग दोनों मेंशन है, तो अच्छे तरीके से उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑनलाइन टेस्ट देना है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।